बेयर मार्केट में जितने कॉइन्स धीरे धीरे खत्म हो गए थे वही अब धीरे धीरे वापस चलना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से बात करने वाले हैं टेरा लूना के बारे में। जी हाँ, टेरा लूना एक वही कॉइन जिसकी वैल्यू 100-110 डॉलर के आसपास थी और उसके बाद इसका जब डंप आया था फिर हार्ड फॉक के बाद क्या है कि टेरा लूना क्लासिक लग कर दिया गया था और एक नया लूना बना था जिसकी वैल्यू आज के दिन भी एक डॉलर के आसपास नहीं चल रही है, सिर्फ 80 सेंट के आसपास चल रही है। और जो USDC था इनका वो एक डॉलर के बराबर था, यानी कि पैक्ड कॉइन था, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन उसने भी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया पिछले दिनों के अंदर। अभी जो आज हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले LUNC के बारे में, यानी कि टेरा क्लासिक कॉइन, जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे शिबा आर्मी बहुत बड़ी है या फिर डॉज आर्मी बहुत बड़ी है, वैसे लूना की कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। तो अभी फाइनली ये फिर से ऊपर प्राइस जाना शुरू हो चुका है, तो आपको मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं और अभी ये कितना कि स्ट्रांग है, क्योंकि क्या है कि मोमेंटम धीरे धीरे बहुत बार ऐसा हुआ है खत्म हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको USDC का बताया था, लेकिन उसके बीच में क्या है कि USDC की हाइप एकदम से खत्म हुई, यानी कि एक नेगेटिव न्यूज आई, नेगेटिविटी फैलने की वजह से USDC डंप होना शुरू हो गया था। लेकिन अभी अगर हम बात करें LUNC, तो बहुत ही स्ट्रांग अभी अपडेट आई है जो डेफिनेटली इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने वाली है। तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का अभी लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब हम बात करते हैं, यहां पे तीन कॉइंस हैं LUNC जिसने अभी पिछले थोड़ी देर के अंदर ही 20-25% का प्रॉफिट दिया। ऑल ओवर 24 आवर्स की वॉल्यूम देखें तो 250% से भी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम बढ़ी है। मार्केट कैप इसका लगातार बढ़ रहा है, अभी 20% के आसपास इसका मार्केट कैप ऑल ओवर बढ़ चुका है। एंड आपको शायद यकीन नहीं होगा कि ये कॉइन खत्म ही क्यों नहीं हो गया था, लेकिन फिर भी इसकी जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप 865 के आसपास चल रही है, यानी कि 65 पोजीशन इसकी मार्केट कैप के हिसाब से चल रही है। तो ये कोई बहुत बुरा कॉइन नहीं है, इसके होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका जो मार्केट कैप है बहुत अच्छा है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और आप देख पा रहे हैं कि अभी इसकी वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। दूसरा आपको जो बताना चाहता हूँ वो है USDC। हमने पिछले दिनों के अंदर देखा कि USDC ने भी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है, तो डेफिनेटली ये एक डॉलर तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन जो भी कॉइन्स हमने पहले बाय किए थे जब इसकी वैल्यू में कई सारी जीरोस लग गई थी इंस्टेड ऑफ वन डॉलर, यानी कि एक डॉलर पैग होने की बजाय क्या है कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नीचे गिर गई थी, वो हमने कॉइन्स जो बाय किए थे वो हमें डेफिनेटली प्रॉफिट देने वाले। एंड हाँ, तीसरा कॉइन जो रियल कॉइन है, एक्चुअल कॉइन है जो मार्केट में अभी एग्जिस्ट करता है, वह लूना, यानी कि अभी जो नया लूना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसका जो मार्केट कैप है ये 99 पोजीशन है इसकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा जो मार्केट कैप है वो टेरा क्लासिक का है इंस्टेड ऑफ जो लूना का होना चाहिए था, यानी कि नए लूना में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो पुराना लूना है लूना क्लासिक उसमें ज़्यादा मार्केट कैप है, उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है 24 आवर्स की। तो आप देख सकते हैं कि लूना क्लासिक कितना स्ट्रांग होल्ड कर रहा है अभी मार्केट में। एंड मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि लूना जो अपने अपनी तरफ से ये भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, इसकी भी आपको मैं पूरी अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम दोनों की बात करेंगे, लूना क्लासिक के लग से और लूना जो एक्चुअल नया लूना है उसकी भी हम लग से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिक की बात कर लेते हैं जो कि पुराना है और अभी इसने थोड़ी देर के अंदर 25-30% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि एक नया प्रपोजल आने वाला है 11890 जो करता है लूना क्लासिक का अपडेट V2.3.2 में। तब भी आपको बताया था कि इसमें 99% श्योरिटी है कि अपग्रेड होगा, अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोटिंग करी जा रही है क्लासिक होल्डर्स के द्वारा, LUNC होल्डर्स के द्वारा, वो 99% इसकी फेवर में ही है, यानी कि इस नए प्रपोजल की फेवर में ही है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसान भाषा में बता देता हूँ कि ये प्रपोजल का मेन काम क्या है, एक रेजोल्यूशन लाना जिसमें कहते हैं कि सीक्वेंस मिसमैच हो रही थी। अब सीक्वेंस मिसमैच किस में हो रही है, ये वैलिडेटर्स को इम्पैक्ट डाल रहा था और ये चीज़ आपको डीपली टेक्निकली नहीं समझ आएगी, लेकिन आप इतना समझ लो कि इस प्रपोजल में आ रहा है सीक्वेंस मिसमैच इशू जो कि अभी रिजॉल्व होने वाला है इस प्रपोजल के द्वारा जो है 11890। तो फाइनली ये जो इशू है सॉल्व होने वाला है एंड इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, यानी कि किनको ये सोल्यूशन मिल रहा है, ये वैलिडेटर्स को मिल रहा है या फिर नॉड ऑपरेटर्स को मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ी चेंज लाएगा। क्योंकि पहले तक क्या था कि जो इसकी चेन थी वो बार बार हॉल्ट हो जाती थी, यानी कि बंद हो जाती थी, अभी ये प्रपोजल आने के बाद क्या कि चेन हॉल्ट नहीं होगी और वैलिडेटर्स एंड नॉड ऑपरेटर्स उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो आप यहां पे एक चीज और समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इन्हीं को, नॉट ऑपरेटर्स और वैलिडेटर्स को होने वाला है, और इसका मतलब ये भी है कि इनके पास ही ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम है और यही ज्यादा वॉल्यूम होल्ड करते हैं, अब इनको ही ज्यादा भरोसा है इस कॉइन के ऊपर कि यही कॉइन हमें आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, जिसकी वजह से जो LUNC की आर्मी है या फिर LUNC के होल्डर्स बाकी हैं जो हमारे जैसे रिटेलर्स हैं
या फिर जिन्होंने बल्क में क्वांटिटी होल्ड की हुई है तो उनको भी डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। तो ये जब से न्यूज आई है, ये जब से अपडेट आई है कि 100% यस वोट्स हैं, यानी कि इसको फाइनली रिजॉल्व किया जाएगा इस इशू को, तब से क्या है कि एलईएनसी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है एंड डेफिनेटली आने वाले समय में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो पहली चीज़ हमारी ये होगी। अब दूसरी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले जो है लूना, यानी कि एक्चुअल लूना, जो नया लूना बना है, जिसकी मैंने आपको बताया कि पोजीशन जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक इसका 99 बनता है। लेकिन ये भी कोई इतना वीक कॉइन नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया था, जब हमें लूना मिले थे, यानी कि हमें इक्वल क्वांटिटी मिलनी थी, वो लूना किस तरीके से मिले थे शायद आपको याद नहीं होगा, मुझे अभी सडनली याद है कि इन्होंने क्या कहा था कि वेस्टिंग धीरे धीरे करी जाएगी। यानी कि पहले हमें कुछ परसेंट मिल गए थे, जो रियल लूना थे उनके बदले में हमें कुछ परसेंट पहले मिल गए थे, सभी एक्सचेंजेस में बांट दिए गए थे। उसके बाद क्या कि धीरे धीरे बाकी क्वाइंस के उन्होंने बोला था कि कई एक साल के बाद ये बांटना शुरू करेंगे, यानी कि वो समय भी अभी आने वाला है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि वजीरेक्स जैसी कई सारी ऐसी इंडियन एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने लूना की बात तो करी कि हमें लूना देने वाले, लेकिन इन्होंने लूना दिया नहीं था। ये बात मैं इसमें डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, और ये मैं बहुत बार डाल भी चुका हूं जब ऐसा हुआ था और अभी भी शायद किसी को लूना नहीं मिला है। तो अभी क्या कि जैसे एक साल ये पूरा हो जाएगा, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है, आप इसको थोड़ा और ध्यान से सुने। एक साल पूरा होने वाला है, क्लिफ था, क्लिफ का मतलब यानी कि एक साल का गैप, और उसके बाद 5 सालों में ये लीनियरली थोड़ा थोड़ा करके 125 मिलियन लूनास को वेस्ट करेंगे, वेस्ट मतलब हम सभी में बांट देंगे। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे डर क्या रहता है, जैसे ही सभी के पास लूना आता है वो सेल ना करते, इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि ये एक स्टेकिंग प्रोग्राम लाने वाले जिसमें और भी अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए इन्होंने अपनी खुद की एक टेरा डेलीगेशन कमेटी बनाई है जिसमें अभी कुछ मेंबर्स ऐड किए गए और धीरे धीरे आगे आने वाले समय और मेंबर्स को भी ऐड करेंगे। और ये सारी अपडेट्स जो आने वाली वो डिस्कॉर्ड के ऊपर ही आने वाली हैं, यानी कि इनके डिस्कॉर्ड के साथ आप थोड़ा कनेक्टेड ज़रूर रहना। तो ये जो अपडेट है लूना को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है आज तक की, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि लूना का बहुत लंबे समय से हम वेट कर रहे थे। एंड ये जो माहौल शांत हो गया था लूना को लेकर, वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक साल का क्लिफ रखेंगे, एक साल का गैप, और उसके बाद 5 सालों में ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। अब आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वांटिटी सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सेल करना चाहेंगे या करेंगे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सेल कर देंगे, क्योंकि उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास $100 का लूना था एक समय पे, तो वो $100 वाला लूना अभी $1 भी नहीं है, तो $1 पे कोई भी सेल नहीं करना चाहेगा, मोस्ट प्रोबेबली सभी इसको होल्ड करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इसकी होल्डिंग्स बढ़ने वाली हैं और कॉइन आने वाले समय और भी ज़्यादा स्ट्रांगली खड़ा रहेगा मार्केट में। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने LUNC और LUNA यानी कि लेटेस्ट लूना इसका हमने डिस्कस किया। USDC का अभी कोई खास अपडेट नहीं है, तो वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने आपको पूरा सिनेरियो बताया था कि क्यों USDC थोड़ा सा डंप हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था USDC ने। और किसी कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। मार्केट आप देख सकते हैं अभी ग्रीड में चल रही है, 72 के आसपास चल रही है, और इसी के साथ साथ BTC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लगभग $39,000 के आसपास चल रहा है, और इसमें बहुत बड़ा बूम भी आ सकता है जैसे जैसे कुछ पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि ETF को लेकर अपडेट्स आ रही हैं। तो मैं सारी अपडेट आपके साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें, अप टू डेट रहेंगे तो आप टाइमली एक्शन भी ले पाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।